अयाज सादिक के बयान के बाद पाकिस्तान में पैदा हुए बवाल से अब पाकिस्तान के ही टूटने के आसार बन गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है सरकार और हुकूमत के साथ आर्मी के रिश्ते बेहद खराब हैं। हुकूमत यानी इमरान खान अपोजिशन और फौज को लड़वाने का काम कर रहे हैं। इमरान को ना फौज पर भरोसा है ना अपोजिशन पर। अपोजिशन का भी आर्मी चीफ से भरोसा उठ चुका है और इमरान को तो वो कुर्सी पर देखना ही नहीं चाहते। आर्मी चीफ ने इमरान खान की धोखेबाजी को भांप लिया है। पाकिस्तान की पब्लिक ने आर्मी को नंगी आंखों से देख लिया है। पाकिस्तान की पब्लिक देख रही है कि फौज ने हुकूमत और मुल्क पर किस तरह कब्जा कर रखा है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि इमरान खान को झगड़े सुलझाकर मुल्क को एक रखने की जरूरत थी, जबकि वो आपस में सबको लड़वा कर अपनी गाड़ी खींचना चाह रहे हैं। यही काम याहिया खान ने किया था। उस समय भी पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था और एक बार फिर पाकिस्तान दो हिस्सों में टूटने जा रहा है। एक तरफ से मैंने आपको बता दिया, खबर थी फिर इशारे भी आ गए। खबर ये थी कि नवाज शरीफ ने दो मीडिएटर्स को इनकार कर दिया कि मैंने इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने, और इशारे ये थे कि जो ट्वीट किया नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को का नाम लेके किया कि आईजी सिंध वाला मामला उसकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची। फिर मरियम ने जो खिताब किया उसमें DGISPR को तंबीह एक लिहाज से की गई कि आपको मोहतात होना चाहिए, आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं और ये तासर नहीं जाना चाहिए कि जो अदारे हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे खड़े हैं। अगर ये तासर जाएगा तो कौम में और अदारों में एक फासला पैदा होगा। ये इशारा था कि हालात ठीक नहीं हैं। दूसरी तरफ एक इशारा है कि इधर भी हालात ठीक नहीं हैं। किसके हालात ठीक नहीं हैं? इमरान खान के हालात ठीक नहीं हैं। किसके साथ ठीक नहीं है? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक नहीं है। इशारे क्या हैं? खबर थी वो मैंने आपको पहले बताई थी, 3-4 दिन पहले मैंने बताया था आपको कि अपने एक यार गार के साथ इमरान खान साहब ने राजो न्याज की बात करते हुए कहा था कि मैं बड़े को फारिग करके छोटे को बना दूंगा, समझ रहे हैं ना, तो बना दूंगा तो मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो बड़ा है वो मेरा मतलब कच्ची गलियाँ तो उसने भी नहीं खेली हुई, तो वो चाहता है कि यार कि मैं अपोजिशन के साथ मामला तय करूँ और मुल्क आगे बढ़े। और अगर इमरान खान साहब का फेट यही है कि वो घर जाए इन हाउस तब्दीली के ज़रिए तो फिर ऐसे ही कर सकते हैं। तो खान साहब अपने दाव में हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुल्क को एक बंद गली में लेके नहीं जाना चाहती। वो कोई ना कोई एक कह लें कि मुल्क को आगे बढ़ाना चाहती है। सादा अल्फाज में इससे ज़्यादा मैं बात खुल के समझा नहीं सकता। पॉइंट इसमें यह है कि कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि अगर तो अपोजिशन ने सियासत करनी है तो फिर इमरान खान है, यानी इन्हें जो जुतियाँ मारनी हैं मार लो, इन्हों निबड़ लो जो इतना निबड़ना। क्या मतलब? पहले क्या था, यही शेर शीर साहब कहते थे फौज और इमरान खान एक पेज पे हैं, फौज पूरी खड़ी है, इमरान खान के खिलाफ जो बात करेगा निकलेगा उसके साथ बहुत बुरी होगी, मैं बहुत बुरी होगी, बहुत बुरी होगी। अब वो कह रहे हैं कि जिसने तो पोजीशन ने सियासत करनी है तो वो इमरान खान खड़ा है मैदान में है, उसको पकड़ लें आके, वो ये कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई रियासत के खिलाफ जाएगा तो फिर ये उस ये बहुत बुरा होगा। अब मामला ये है कि इसमें इशारा समझें, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। इमरान खान साहब ने कहा था ना रोते हुए मैं हार रहा हूँ जनरल साहब, तो बाजवा साहब ने फिर एक तकरीर की थी काकुल में, उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत को यानी उसकी सपोर्ट के लिए उसकी मदद के लिए तैयार हैं और उसकी कॉल का के ऊपर हम लब्बैक कहेंगे, लेकिन जो दस्तूर कानून ने जो पैरामीटर्स फिक्स किए हैं उसके मुताबिक मैंने उसी दिन जो वी लॉग किया था मैंने बताया था कि भाईजान ये जनरल कमर जवेद बाजवा ने एक डिस्टेंस शो कर दिया है कि जो हमें समझते हैं कि हम जनाब इनके पीछे खड़े हैं और हम ही हैं, इमरान खान तो बस एक फेस है, वो गलतफहमी में ना रहे, हम जो हैं अपना जो आइनी इख्तियार है और आइनी हदूद है उसके अंदर है। अपोजिशन ने जो भी बातें की तो उसके बाद जवाब आया कि जनाब के एत इंडियन एजेंट ने, यानी कि बिलावल भी इंडिया की बात कर रहा है, नवाज शरीफ भी इंडिया की ज़बान बोल रहा है, मोदी का यार है,
तो उधर आईजी भी अगवा हो गया कराची में। तो आईजी के अगवा के ऊपर जो सिंध गवर्नमेंट ने और पुलिस ने रिएक्शन दिया, उसके बाद क्या होता है, पहले नंबर पे कि डिस्टेंस शो करते हैं, आर्मी चीफ फ़ोन करते हैं हम बिलावल जरदारी को। यानी कि क्या पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक इंडियन एजेंट को फ़ोन करेगा? उन्होंने किया, यानी उन्होंने बताया कि भाईजान ये आपका सियासी नारा है और आपके सियासी मकासद हैं, हम किसी को इंडियन एजेंट नहीं समझते, एक बात। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने द ग्रेट साबर शाकर साहब साबर शाकर साहब से और चौधरी गुलाम हुसैन साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं तो इसको कॉमेडी समझता हूँ जो आईजी सिंध अगवा हुआ है, मतलब ड्रामा है। लेकिन उस ड्रामे की इंक्वायरी उन्होंने आर्मी चीफ ने वादा कर दिया आईजी के साथ भी और बिलावल भुट्टो के साथ भी, एक फिर डिस्टेंस शो किया। लेकिन पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो हम देख चुके हैं, वो बड़ा खौफनाक है और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बेयरली, जिसको कहते हैं नंगी आंख से, अब वो देख सकता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किस तरह वर्क करती है, किस तरह उसने इस हुकूमत और इस मुल्क के ऊपर अपना असर कायम रखा हुआ है और वो किस तरह इस मुल्क को चलाती है। तो अब ये आने वाले दिन जो हैं वो इंतहाई अहम है और पेशावर का जो जलसा है उससे पहले पहले कोई एक आध बड़ा काम होने वाला लग रहा है और ख़बरें भी हैं इस तरह की कि आने वाले चंद दिनों में, यानी कोई आप यूँ समझें कि 20 से 25 दिनों में कोई बड़ी खबर आ सकती है। और आज जो नारेबाजी हुई है उसकी जो ज़्यादातर जिम्मेदारी भी इमरान खान हुकूमत की पॉलिसी है, जो फ़ौज और सियासतदानों को या अपोजिशन को, फ़ौज और अपोजिशन को लड़ाने की कोशिश कर रही है। ज़िक्र होता है हुकूमत का तो हुकूमती वज़ीर जो हैं, तनकीद होती है हुकूमत पर तो हुकूमती वज़ीर जो हैं वो शुरू हो जाते हैं कि फ़ौजी क़यादत पर तनकीद हुई है, तनकीद होती है कुछ किरदारों पर। नवाज शरीफ भी बताते खुद कह रहे हैं तो हुकूमत कहती है कि पूरी की पूरी फ़ौज को टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये वो पॉलिसी है बुनियादी तौर पर जिसकी वजह से इस तरह का माहौल पैदा हो रहा है और महाज़ाराई शिद्दत अख्तियार करती जा रही है कि अयाज़ सादिक ने इशारा, जो अयाज़ सादिक ने बात की है शाह महमूद कुरैशी की, और हुकूमत इसको लेके जा रही है आर्मी चीफ की तरफ, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की तरफ अगर हुकूमत इसको महदूद रखती है तो वो जो खेल खेलना चाह रही है हुकूमत वो बनता नहीं है। तो इसलिए अब वो आज मरियम नवाज़ ने भी अपनी तकरीर में कहा कि जी वो शाह महमूद कुरैशी की तरफ बात थी। नवाज शरीफ को समझ आ रही है कि मेरी आवाम को सब समझ आ रही है और जनरल आसिफ सलीम बाजवा, जनरल आसिफ सलीम बाजवा, कौम के नौजवान आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपके पास खरबों की जायदादें कहां से आईं? जनरल आसिफ सलीम बाजवा साहब, कौम ये जानना चाहती है कि आप एक नौकरी पेशा होने के बावजूद खरबों की पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैली हुई जायदादें कैसे बना गए, और अगर एक तीन दफा का वजीर आजम एक इंतकाम नामा एहतसाब के सामने पेश हो सकता है तो क्या पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय है? अगर आपकी बहन 200 पेशियां कर सकती है, नैब की भुगत सकती है अपने वालिद के साथ, तो फिर किसी को क्या अमर माने? आसमान से यहां कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। और नवाज शरीफ यही बात कर रहा है मेरे बच्चों, नवाज शरीफ अदलिया की आजादी की बात कर रहा है, नवाज शरीफ मीडिया की आजादी की बात कर रहा है। और आप देख रहे हो ना मीडिया को, कि मीडिया को एक चीज फीड की जाती है और उसके बाद पूरे मीडिया को मजबूर कर दिया जाता है कि वही रटा रटाया सबक आपके सामने पढ़ दे, और जो इस सबक को पढ़ने से इनकार करते हैं उनको उठा के नैब की जेलों में डाल दिया जाता है। और
नवाज शरीफ और क्या बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ कहता है कि पाकिस्तान की जो सबज किताब है आईन की, इसको जूतों के नीचे रोंदने वालों को सजा दो, उनको निशाने इबरत बनाओ ताकि ताकि मुल्क के अंदर मुशर्रफ जैसे दोबारा पैदा ना हो सके। मेरे बच्चों, एक बात मैं और आपको समझा दूं, मैं एक बात और आपको समझा दूं कि हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना। हुकूमत में है, वजीर आजम है, 11 खिलाड़ियों के कप्तान नहीं है या एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह सिर्फ नहीं है, वो वजीर आजम है और वो जो कोशिश कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं वो बड़ा ख़तरनाक है। माजी में ये खेल यहिया खान ने खेला था, जब इंतखाबात हुए थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीब रहमान के दरमियान एक जो करा के ना तनाज़ात पैदा करवा के और फिर इजलास यहाँ होना चाहिए, ढाका में होना चाहिए करवा के, और उसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक निकला था। वो मुल्क दो लख्त हो गया था क्योंकि एक इदारे के अंदर, एक मैंने जैसे पहले कहा कि एक टीम के अंदर, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इस तरह तो आप लड़ा झगड़ा के लोगों को अपनी चुदराहट चला सकते हैं, मुल्क के साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका नतीजा बहुत ख़तरनाक होगा।